खुशी और सोनाली दोनों के मुंह देखते से हो गए। भिड़ू को उठाना पड़ेगा, देखा राजा साहब का आसन कैसे सोए, खर्राटे मार रहे हो। शिवम इधर नहा रहा है, तैर रहा है तो बहुत। ये देखो मैं ज्यादा दूर मत जा। तो गाइस यहाँ पे समोसे, बेक समोसे लाए हुए हो। और आए हैं मेरे ससुर जी और साथ में आई है प्रिंसी की दीदी। हे एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी शिवाय व्लॉग्स। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, मम्मी का सामान लाना है, मम्मी टैबलेट वगैरह खत्म हो गई, लाना है तो ले आते हैं। हाथ में बहुत जोर से लग गया यार, स्कूटी अंदर रखे उसको निकालना पड़ेगी। ले इसको लो, मैं स्कूटी अंदर से निकालती हूँ, ऊपर से दे रहे रखूँ क्या भारी है। हाथ गेट खोल। एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है एक, और आए हैं मेरे ससुर जी और साथ में आई है प्रिंसी की दीदी। क्या तो गर्मी नहीं हो रही? मैं स्कार्फ लेके प्रिंसी को संभालने वाली दीदी आ गई। क्या है पानी आ गया बेटा? दीदी है, दीदी है लाडो। कौन है? तेजल दीदी है, तेजू दीदी है। कौन है? देखो संभालने के लिए आई है दीदी। पापा भी आए हैं संभालेंगे, बोले मैं बेनू के पास रहूंगी। छोटी सी थी तब आई थी प्रिंसी, छोटी थी तब भी आई थी, तो मतलब कि छोटी है मतलब क्या, आने से बड़ी है अब, तब आए हैं तब उसके पास रहेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है डेढ़, और पता है मम्मी ने इधर पसारा खोल के बैठी है। मम्मी की आज हिम्मत हो गई खोलने की, वो भी इसलिए क्योंकि प्रिंसी परेशान नहीं कर रही, ये तो मम्मी की हिम्मत थी, खोल के बैठ जाए। क्यों मम्मी जरा भी नहीं खोल सकती? प्रिंसी कहाँ है? प्रिंसी दिखी? प्रिंसी दिखी? किसी ने प्रिंसी को देखा? प्रिंसी तो यहाँ पे बैठी है दीदी के साथ में। प्रिंसी है कि नहीं है? हाय बोलो इसको एक बार। हाय हाय। अरे अरे मेरा लालो बेटा खेल रहा है, आ गया नीचे। हाय करो ऐचा मम्मा जी कलेगा, वो पुज्जा तू तो मेरा है। हमको तो हम खेलेंगे, आप तो बड़े हो गए हो। सो प्रिंसी अब इसकी दीदी के साथ खेलने में लगी है, तो मैं भी टेंशन फ्री हूँ। आज तो मैं चैन के नींद सोऊंगी एक दो बार। तुम भी सो जाओ मम्मी। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30, और इधर निकल रही मम्मी की झाड़ू, इधर प्रिंसी मामा के लिए रो रही, नानी सोए हैं, कृपा कुरकुरे खा रही है, और आज होगी हमारी बेक समोसा पार्टी। बेकरी में से गरम गरम समोसे बनवा के लाए हैं। शिवाय का कॉल आया था, बोले क्या खाओगे, मतलब बेक समोसे, बोले बेकरी में बन रहे, खाना को पूछा। इतने जटोरे हैं कि हम कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो गाइस यहाँ पे समोसे, बेक समोसे लाए हुए, और सीतु दीदी सबके लिए बेक समोसे बना रही है। पानी मत डाल देना प्रिंसी। और कौन सा इधर मम मम कर रही है? अभी भी चांदी के वाले चलते हैं। अभी ये सब बेक समोसे खाएंगे, बाकी मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा ना आज उपास है इसलिए। तो सीतु दीदी आप कैसे कैसे बनाओगे बेक समोसे? इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज, सेव, वो तो डाल चुके, वो तो आप डाल चुके हो, प्लास्टिक का डब्बा और बस इसमें केचप डालता है, बट केचप हमारे पास है नहीं, इसमें मेयोनेज़ डालता है, वो भी हमारे पास है नहीं, चीज़ है तो उसको मेल्ट हम नहीं करेंगे, डाल के नॉर्मल ही बनाएंगे, बस चटनी डालेंगे और खाएंगे। सस्ते समोसे पार्टी चल रही है। इधर सीतु दीदी सबको वितरण कर रहे हैं समोसों का, 500 को ऐसा लग रहा है मेरे को भी देगी। सीतु दीदी ये हो क्या रहा है? कट कर रही हूँ। अरे पहले भी एक बार पहुंच मारेंगे दीदी को, बताओ क्या रखो। देखो यहाँ बैठ के खाइए, इसने शक्कर, भगवान को प्रसादी चढ़ाते ना तो भगवान के प्रसादी पूरी उठा ले,
डब्बे में भर के रखती हूँ मैं कि भगवान को सुबह से भोग लगा दो, तो डब्बे पूरी ले ली, खाली कर ली और शक्कर देखो कितनी फेंकी है। अब नहीं चीटी आना और काटना और ऊपर से शक्कर मांग रही है कि दे दो, नहीं दे रहे तो मारने दो, काट रही है कृपा को। क्या खा रही, आगे बैठ के खा रही? हाँ। ले भरो, ले एक काम कर, भरो मत, गोदड़ी उठा के ले चल के झटक देते, ले चल नहीं है इस पे, ये इसको ले चल, इधर से पकड़। बाप बता तेरी बस सब चक्कर ही चक्कर कर दी ना, ऊपर से बोल रही बस, क्या लड़की है, शक्कर खा ली से बोल रही बच चला मेरा पिता। क्या तू अब कुरकुरे खाना है? इसका कुरकुरे में से डब्बों में रख देती हूँ कि दिखे। एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है रात की 12:05, शिवाय, अंकिता दीदी और शिवाय की शॉप वाले, मतलब जो भी है, सब गए हैं ओमकारेश्वर। मेरे को और सोना दीदी को नहीं लेके गए, बोला था प्रभु ने जब उनकी इज्जत नहीं की तुमको बोला था, मेरे को नहीं बोला है कि बेटो चल रहे, मेरे को बोलते ना उसकी भी गलती नहीं, उसने इसलिए बोला कि तेरी तबीयत खराब है। हाँ, ये बात भी तबीयत खराब है, ये बात तो पर पूछना चाहिए यार एक बार पत्नी से, तबीयत खराब है तो कहाँ लेके जाऊंगा। तो ये लोग गए हैं ओंकारेश्वर, हमारा भी प्लान बन रहा है, हुआ था 1-2 तारीख को हम जाएंगे और नाइट रुकेंगे, ऐसा भी नहीं, नाइट रुकेंगे मस्त ओंकारेश्वर में। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और चैनल पे नया था लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बाय बाय। तो अभी हम लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं और खुशी और सोना दी दोनों के मुंह देखते चौके, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं बहुत जल्द बताएंगे, आप लोग में बने रहिए। और तो फाइनली गाइस हम लोग ओंकारेश्वर पहुँच गए, जय श्री महाकाल, जय ओंकार। और ये देखो इधर मनोज भी आया, शिवम आया, तीनों आए और हम यहाँ आने वाले थे ओंकारेश्वर। कितनी सारी पब्लिक है देखो, और पब्लिक कैसी सोई हुई है, ये सारी पब्लिक है। हम लोग लेट हो गए, हम लोग स्पेशल आरती के लिए आए थे, नर्मदा माई की आरती होती है आज के दिन, तो आरती हो चुकी है, दीपक जल रहे हैं उधर, और ये सारी पब्लिक सोई है। तो अब हम लोग पी रहे हैं चाय, तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ बैठे हैं, आराम कर रहे हैं और नदी के मजे ले रहे हैं इस नज़ारे के। हमने बेड बिछा के दिया है, कितना अच्छा लाखोल अपनी पोटली, चिप्स विप्स सब, चिप्स कुरकुरे खा के गुजारा कर रहे हैं हम लोग कितना अच्छा लग रहा ना नदी के पास बैठ के। तो गाइस ऐसे के ऐसे रात से सुबह हो गई, ऐसे के ऐसे बैठे ना जाने कितने साल पुरानी भी बातें भी कर ली, क्योंकि अब टाइम ही नहीं मिलता। ये भी भाई साहब पीटर इंग्लैंड का मैनेजर बन गया है, तो इसको तो टाइम रहता नहीं है और मुझे भी नहीं रहता, न जाने कितने सालों बातें। आज आगे अटक गया थे, पानी के पानी नहीं तो आ जाता पत्रे ज्यादा है अटक के, वो दूर खड़ा थे बहुत सारी बातें करी, और सुबह भी हो ही गई है, थोड़ा बहुत उजाला हो गया। देखो अब हम लोग जाते चाय वगैरह पीने, फिर नहाएंगे। देखो पब्लिक, जितनी पब्लिक सोई थी सारी उड़ गई है, और सारे नहा भी लिए, और न जाने क्या क्या किया इन्होंने, सब 4 बजे से उठ के नहाने जा रहा है, कोई कोई फ्रेश होने जा रहा है, सब नहा लिए। तो भिड़ू को उठाना पड़ेगा, देखा राजा साहब का आसन कैसे सोए, खर्राटे मार रहे हो खुले आसमान के नीचे राजा जैसे सोए, मजा ही कुछ है खुले आसमान के नीचे सोने का।
बांगले गुड मॉर्निंग कुकड़ू उठो जाना ही नहीं अभी आधे घंटे तो जगाना लगा भैया उठो भैया भैया देखो कमल का फूल कितना बड़ा है पूरा फैला हुआ है शिवम है ना पता नहीं कहाँ ले आया एक लगत चलाते जा रहा इतनी सीढ़ियाँ उतरवा दी है और अभी भी नहीं रुक रहे चलाते जाओ चलते जाओ फटाफट चलो कौन क्यों ठंड लग रही ठंड बहुत लग रही ठंडा मौसम है और पानी भी बहुत ठंडा होगा पता नहीं कैसे क्या नहाएंगे हम लोग पर मुझे तो नहाना है नहा रहा है तो हमने नहा लिया मस्त और चेंज भी कर लिया है और ये ना भैया जहाँ वहाँ फिसल रहे इनको बचा बचा के ले जाना पड़ रहा है जहाँ वहाँ पे वो हरी हरी नीलपी दिख भी नहीं रही है धुंधरी में चल रहे है गिर जाते अभी गिर जाते गया था कपड़ा हाँ। बनियान बनियान अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने ये क्या हो रहा रे ये सब देते हैं ना चढ़ाते हैं दान कर रहे थोड़े थोड़े सभी को जय महाकाल हाँ अच्छा लग रहा रावण में यहाँ बंद हो जाता है आइसक्रीम कौन लाया मैं खा लूं बेटा मैं खा लूं ता बोल ता लाई मैंने टैटू निकाला ये मेरे लिए है तुम्हारे लिए नहीं है दे दे। और उसमें सस्पेंस ये है यहाँ पे तुम्हारा नाम लिखाएगा खुशी बिना पिए चढ़ जाती है खुशी और बगैर पिए उतर जाती है
बनवाने के लिए कितना चलो जी बता रहा हूँ मीठे में लेना। नहीं तो मैं बनवाऊंगा, आज ही बनवा के लाऊंगा, स्पेशल है, नाम लिखवाऊंगा खुशी। उतर जा, ले ले तो उतर जा, उतर जा, उतर जा। ये है तूफान तालिबान। खा ले बेटा अपनी, स्टेप पे रो रही।